वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ योर साइंस चैप्टर 3। लेट्स कंटिन्यू। स्पिनिंग वॉज अर्लियर डन बाई अ सिंपल हैंड स्पिंडल कॉल्ड तकली और ऑन ए स्पिनिंग व्हील कॉल्ड चरखा। स्पिनिंग जो होती थी पहले, वो पहले एक स्पिंडल की तरह की आकृति की एक मशीन होती थी जिसे तखली कहा जाता था। तखली हम कुछ ऐसा होती है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक लाइन ऐसे है, नीचे ऐसे गोलाकार होता है, ठीक है, और ये बीच में होती है लाइन, ये जो हमने देखा है एक डंडी होती है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल ये घूमती है ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको तखली कहते हैं। नाव या एक चरखा एक होता था, चरखा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, उससे जो है स्पिनिंग होती थी। नाउडेज स्पिनिंग ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन बाई मशीन्स। अब जो है बड़े स्केल पर स्पिनिंग जो की जाती है वो मशीनों के द्वारा की जाती है। लेट मी शो यू अ वीडियो ऑफ चरखा। बच्चों ये है चरखे की तस्वीर, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, इसमें ये यहाँ जो है एक व्हील होती है यहाँ पर, ठीक है, और ये एक व्हील होती है, इसकी सहायता से यहाँ पर इस ये यार्न को यानी धागों को स्पिनिंग की जाती है। और दूसरा आप देख सकते हैं ये तखली कहलाती है, ठीक है, इसकी सहायता से भी स्पिनिंग की जाती है। वीविंग इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ यूजिंग यार्न टू मेक फैब्रिक। यानी बुनाई करना जो है वो धागों से कपड़े बनाने की एक सबसे प्राचीन विधि है। द कॉटन थ्रेड्स आर वूवन इनटू अ क्लॉथ ऑन ए लूम। कॉटन के धागों को बुना जाता है, ठीक है, क्लॉथ के रूप में एक लूम पर। द लूम कुड बी हैंड ऑपरेटेड। लूम जो है हाथ से चलाए जाते हैं, इसीलिए उसका नाम हैंडलूम पड़ा है, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो खादी वाले दुकान पे, जहाँ खादी ग्रामोद्योग की दुकानें होती हैं, वहाँ पर हैंडलूम के कपड़े पाए जाते हैं, ठीक है। और मशीन ऑपरेटेड पावर लूम, और जो मशीन से बनाए जाते हैं उनको पावर लूम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग टू सेट्स ऑफ यार्न एट राइट एंगल टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी दो तरह के धागों को आपस में इंटरलॉक करके, जोड़ करके सही दिशा सही एंगल पे जब कपड़ा बनाया जाता है तो इसे ही वीविंग कहा जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए स्पिनिंग हो रही है और यहाँ पर जो है ये दूसरे में वीविंग हो रहा है, ठीक है, इसको बुनाई कहते हैं। इन निटिंग ओनली अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग में क्या होता है, एक ही प्रकार के धागों का प्रयोग करते हैं कपड़ा बनाने के लिए। दिस कैन आल्सो बी डन बाई हैंड्स बाई यूजिंग निटिंग नीडल्स। इसे जो है निटिंग नीडल्स यानी सुइयों की सहायता से भी निटिंग की जा सकती है, और बाई यूजिंग मशीन या मशीन की सहायता से। आप लोग देखिए घर में जो है महिलाएँ वो निटिंग करती हैं, ठीक है, तो उसमें सलाई होती है दो, ठीक है, उसकी सहायता से वो स्वेटर वगैरह बुन लेती हैं। अ सीरीज ऑफ इंटरलॉक्स आर लूप्स इज मेड इन द यार्न टू फॉर्म ए फैब्रिक। यानी जितने भी यार्न होते हैं उसमें बीच बीच में इंटरलॉक किया जाता है जिससे एक दूसरे से वो जुड़े रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं। निटिंग फैब्रिक हैव मोर इलास्टिसिटी दैन वूवन वंस। नीटेड फैब्रिक्स होते हैं उनमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है अपेक्षाकृत वूवन यानी जो वीविंग किए जाते हैं, बुनाई किए जाते हैं। यूजेज ऑफ कॉटन इज आर नेक्स्ट टॉपिक। कॉटन फैब्रिक्स आर यूज टू मेक शर्ट्स, टी शर्ट्स, टॉवल, सूट, जीन्स। कॉटन फैब्रिक का प्रयोग शर्ट बनाने में, टी शर्ट, टॉवल, तौलिया, सूट या जीन्स बनाने में किया जाता है। कॉटन पैड्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल। इसके अलावा कॉटन पैड जो होते हैं उनका
प्रयोग हॉस्पिटल में किया जाता है। कॉटन इज यूज्ड एज फिल्टर इन मैट्रेसेस एंड पिलोज। कॉटन का प्रयोग किया जाता है, कॉटन अर्थात रुई का प्रयोग जो है तकिया यानी पिलोज और मैट्रेस मतलब गद्दे में, इसमें फिलर के रूप में किया जाता है यानी रुई को उसमें भर दिया जाता है ना। आइए इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर आफ्टर कॉटन। जूट जो है कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेकेंड नंबर पर ठीक है यार्न है। इट इज़ चीपर देन अदर नेचुरल फैब्रिक्स फाइबर्स। ये अन्य जितने भी फाइबर्स होते हैं उनसे नेचुरल फाइबर्स जितने भी हैं उनसे सस्ता होता है। इट्स फाइबर्स आर लॉन्ग एंड शाइनी। इसके फाइबर जो होते हैं वो लंबे और चमकीले होते हैं। एंड कैन बी स्पन इंटू कोर्स एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। और उन्हें मजबूत धागों के रूप में स्पिनिंग की जा सकती है। जूट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को भी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। और इसमें फाइबर जो होते हैं स्टेम के बाहरी भाग में होते हैं। जूट की खेती गांव में की जाती है, आप लोग देखे होंगे संभवतः, या भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट जो है सबसे ज़्यादा पैदा होता है गर्म और आर्द्र जलवायु में, विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर वर्षा पर्याप्त होती है। जूट प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन लोमी सॉइल। लोमी मिट्टी में जो है जूट प्लांट सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। इन इंडिया जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड आसाम। इंडिया में बंगाल बिहार और आसाम में, वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल में, बिहार में और आसाम में पैदा होता है। द प्लांट ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 3 to 4 meters एंड बियर्स येलो फ्लावर्स। इसके प्लांट 3 to 4 meters ऊंचाई तक बढ़ते हैं और पीले रंग के फूल देते हैं। इट टेक्स 5 to 6 months फॉर द प्लांट टू गेट रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। और लगभग 5 to 6 महीने में ये प्लांट तैयार होता है कि इसकी हार्वेस्टिंग की जा सके। अब आइए आप इसके पहले कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँ रेटिंग, मैं आपको जूट की फ़ोटो दिखाता हूँ। तो बच्चों देखिए, ये है जूट के पेड़, जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है। ये खेत में इस तरह से जूट के पौधे ठीक है उत्पन्न किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। और ये जूट से बनने वाले देखिए रस्सी है, जिससे कि रस्सी बनाई जाती है, या जूट से कपड़े बनाए जाते हैं ठीक है। जो घरों में बोरियां प्रयोग होती हैं जिसमें गेहूं चावल वगैरह भरा जाता है, वो भी जूट से ही बनाया जाता है। और कुछ विशेष प्रकार के देखिए चप्पल हैं यहाँ पर, स्लीपर हैं, ये भी जूट से बनाए जाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं रेटिंग क्या होता है। वंस द जूट क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। एक बार जूट की फसल जब तैयार हो जाती है काटने के लिए, इट इज़ कट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, तो इसे ज़मीन से एकदम सटा करके काट दिया जाता है। द प्लांट्स आर लेफ्ट इन द फील्ड फॉर ए फ्यू डेज टू लेट द लीव्स फॉल ऑफ। पहले पौधों को कुछ दिन फील्ड में छोड़ दिया जाता है जिससे कि उनकी पत्तियां गिर जाएं। द स्टेम्स ऑफ द कट प्लांट्स आर टाइड इन द बंडल एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days। और जो उसके तने स्टेम होते हैं उनको काट करके बंडल में बांध लिया जाता है और उसे 3 to 4 days पानी में डुबोकर रखा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सोकिंग द स्टेम्स इन वाटर इज कॉल्ड रेटिंग। तो ये जो तने को पानी में भिगो कर रखा जाता है 3 to 4 days, इस विधा को, इस प्रोसेस को ही रेटिंग कहा जाता है। ऑन सोकिंग द टिश्यूज ऑफ द स्टेम्स बिकम सॉफ्ट एंड द फाइबर्स गेट सेपरेटेड। क्या होता है कि जब इसको भिगो दिया जाता है तो उसके जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उसमें से फाइबर अलग हो जाता है। द सेपरेटेड जूट फाइबर्स आर रिमूव्ड बाई हैंड। उसके बाद जो फाइबर्स उससे अलग हो जाते हैं उसके तने से, उन्हें हाथ से अलग कर लिया जाता है, ड्राइड सुखा दिया जाता है एंड वूवन इनटू फैब्रिक, और उनसे कपड़ों की बुनाई कर दी जाती है।
Now, as you can see here in this picture, this is the jute plant and jute fibers के भी आपको चित्र दिए गए हैं और जूट से देखिए एक बैग बनाया गया है, इसकी चित्र दिया गया है. Now, our next topic is uses of jute, यानी जूट के क्या प्रयोग होते हैं. Jute is said to have more than 1000 uses. जूट के हजारों प्रयोग होते हैं. सम ऑफ इस इम्पॉर्टेंट यूजेज, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग दिए गए हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटेरियल सच एज गनी बैग्स, रोप्स. इसमें ऐसे मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है जहाँ पर बहुत मजबूती की ज़रूरत होती है पैकेजिंग करने के लिए, यानी सामानों को बांधने के लिए, सामानों को रखने के लिए. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो बोरियाँ होती हैं वो भी जूट से बनती हैं, और जो मजबूत रस्सियाँ होती हैं ये भी, ठीक है, जूट से ही बनाई जाती हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स, हैंड बैग्स. इसके अलावा कारपेट यानी गलीचे और हैंड बैग जो बनाए जाते हैं वो भी जूट से ही बनाए जाते हैं. इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. और इसका प्रयोग टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में भी किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ, स्लीपर, हैट्स. इसका प्रयोग कपड़े हुआ, स्लीपर हुआ, टोपी हुआ, ये सब बनाने में किया जाता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. भारत, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, जनरल नॉलेज की चीज़ है बच्चों, कि भारत जो है जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है. यानी सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जूट कहाँ पैदा होता है, तो इंडिया में पैदा होता है. एंड इस प्रोडक्ट्स इज इन द वर्ल्ड, ठीक है, और इसके सारे प्रोडक्ट भी पूरे दुनिया में नंबर एक पे है. अबाउट 85-90% ऑफ द वर्ल्ड जूट इज़ कल्टिवेटेड इन द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. लगभग विश्व का 85-90% हिस्सा जो है वो सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, वहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है, जो कि इंडिया में है, और इसके अलावा बांग्लादेश में भी उगाया जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम अदर फाइबर्स. आइए हम लोग बात करते हैं कुछ दूसरे फाइबर्स के. इसमें आता है ऊन. ऊन मतलब होता है बच्चों ऊन. ऊन भी जैसा कि आपको हम पढ़ाए थे कि नेचुरल फाइबर ही है. नेचुरल फाइबर दो तरह के बताए गए थे आपको, एक प्लांट फाइबर होते हैं और एक एनिमल फाइबर होते हैं. तो ऊल क्या है, एनिमल फाइबर होता है, ये जानवरों से प्राप्त किया जाता है. ऊल इज अनदर नेचुरल फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल लाइक सीप, कैमल एंड गोट. ऊन एक प्रकार का प्राकृतिक फाइबर है जो कि भेड़, ऊंट और बकरी के बालों से प्राप्त किया जाता है. रिमूविंग द ऊल फ्रॉम सीप इज कॉल्ड शियरिंग. भेड़ के शरीर से उसके ऊल को अलग करना, उसके बालों को अलग करना ही शियरिंग कहलाता है. आफ्टर शियरिंग द ऊल इज क्लीन एंड वॉश्ड. एक बार शियरिंग कर ली जाती है यानी कटाई कर ली जाती है बालों की, तो उसके बाद उसको धुलाई की जाती है. द क्लीन ऊल इज स्पन इनटू फाइबर. उसके बाद उसकी बुनाई की जाती है. हालांकि इसमें 5 स्टेप होते हैं, आप इसके अपर क्लासेज में आप पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि शेयरिंग की जाती है किस तरह से, क्लीनिंग की जाती है किस तरह से, ठीक है, उसके बाद उसको शॉर्टिंग की जाती है और लास्ट में बुनाई की जाती है. दिस फाइबर इज देन वूवन और नेटेड टू मेक वूलन क्लॉथ. और इससे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं. वूलन क्लॉथ रिटेन बॉडी हीट, दैट इज व्हाई दे आर यूज इन विंटर्स. आप लोग देखिए ऊनी कपड़े जाड़े में ही क्यों पहने जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हीट को रिटेन बना रखते हैं, यानी हमारे शरीर की गर्मी को बनाए रखते हैं, इसीलिए वो जाड़े में प्रयोग किए जाते हैं. और इसके बारे में अगर आप और अच्छा समझना चाहें तो ये जान लीजिए कि ऊनी कपड़ों में क्या होता है, हवा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हवा क्या होता है, वो इंसुलेटर का काम करती है, यानी वो हीट का कुचालक होती है, तो उससे होकर के हीट बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, और इस तरह से हमारे शरीर की गर्मी मेंटेन रहती है. नाउ नेक्स्ट आपका नेचुरल फाइबर है सिल्क, ठीक है.
अब सिल्क क्या है, ये भी एनिमल फाइबर है, नेचुरल फाइबर में ये भी एनिमल में आता है। वी गेट सिल्क फ्राम सिल्क वार्म, हम लोग सिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं, सिल्क वार्म से, सिल्क के कीड़ों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्राम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ मतलब सिल्क वार्म ही होता है, सिल्क के कीड़ों के कोकून से जो है सिल्क फाइबर प्राप्त किया जाता है। द सिल्क मॉथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स, सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो मलबेरी एक प्रकार का प्लांट है, ठीक है, उसकी पत्तियों पर पाए जाते हैं। द सिल्क वार्म सीक्रेट्स एन अनब्रोकन फाइबर कोकून अराउंड इटसेल्फ, सिल्क वार्म क्या करता है, अपने चारों तरफ एक प्रकार का फाइबर बना देता है जिसे कोकून कहते हैं। दिस कोकून इज वाइल्ड, इस कोकून को उबाला जाता है एंड अनवाउंड टू फॉर्म द फाइबर, और इसके द्वारा फाइबर प्राप्त किया जाता है। द फाइबर इज देन स्पन टू फॉर्म ए सिल्क यार्न, और उसके बाद उससे सिल्क के धागे बनाए जाते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड द सेरीकल्चर, यानी सिल्क के कीड़ों को सिल्क के धागे बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। सिल्क इज ए कॉस्टली फीबर फैब्रिक, सिल्क जो है एक बहुत ही महंगा कपड़ा होता है। इट इज़ सॉफ्ट या मुलायम होता है, शाइनी होता है एंड स्मूथ टू टच, और बहुत ही स्मूथ होता है, चिकना होता है जब हम इसे टच करते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा मजबूत नेचुरल फाइबर है। इट कैन बी डाइड ईजिली, इसे आसानी से रंगा जा सकता है। सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग क्लॉथ स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस, सिल्क के फाइबर का प्रयोग जो करते हैं वो जो पारंपरिक ड्रेस होते हैं उनको बनाने में ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि इंडिया लाइक साड़ी, कुर्ता, ठीक है, और शॉल एंड अदर वेडिंग क्लॉथ, और शादियों में जो कपड़े पहने जाते हैं उनके कपड़े भी सिल्क से बनाए जाते हैं। सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी, सिल्क को हमेशा बखान किया गया है उसकी चमक के लिए और उसकी फाइन क्वालिटी के लिए। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल फाइबर इज क्वायर, क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये भी नेचुरल फाइबर है। क्वायर इज ए कोर्स फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम द फाइबरस आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ कोकोनट, आप लोगों ने बच्चों नारियल का नाम सुना होगा, तो नारियल की जो नारियल का जो फल होता है उसकी जो बाहरी परत होती है वो फाइबरस होती है, ठीक है, तो क्वायर जो है वो उसी से प्राप्त किया जाता है, यानी नारियल के जूटों से प्राप्त किया जाता है, इसको जूट बोलते हैं हम लोग हिंदी में। इट इज़ ए वाटर प्रूफ फाइबर, ये एक वाटर प्रूफ फाइबर होता है, दैट इज़ यूज टू मेक रोप्स, इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, डोर मैट बनाए जाते हैं, ब्रशेज बनाए जाते हैं एंड स्टफिंग मैट्रेसेस एंड पिलोज, इसके अलावा गद्दे और तकिया को भरते हैं उससे, यानी उसके अंदर क्वायर को भर देते हैं। अक्सर आप जो दुकानों से लेते हैं गद्दे उसमें क्वायर ही भरा रहता है क्योंकि कॉटन थोड़ा सा महंगा पड़ता है। नाउ नेक्स्ट नेचुरल फाइबर इज हेम्प, हेम्प इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट, हेम्प भी एक प्रकार का पौधा होता है, जिस तरह से कॉटन बताया गया, जूट बताया गया, ठीक है, उसी तरह हेम्प भी एक प्रकार का प्लांट है और हेम्प, ठीक है, इसी से प्राप्त किया जाता है, इसके तने से। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, कारपेट बनाए जाते हैं, नेट मतलब जाल, और कपड़े बनाए जाते हैं। द नेक्स्ट फाइबर्स नेम इज फ्लैक्स, लिनन फैब्रिक इज मेड फ्राम द फाइबर ऑब्टेन फ्राम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट, एक फ्लैक्स प्लांट होता है उससे जो है लिनन के कपड़े बनाए जाते हैं। आप लोग लिनन के कपड़े सुने होंगे, बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक है, वो लिनन के कपड़े जो है किससे बनाए जाते हैं, फ्लैक्स प्लांट से बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड हाई क्वालिटी पेपर, इसका प्रयोग बहुत ही मजबूत जो रस्सियाँ होती हैं और उच्च क्वालिटी के जो पेपर होते हैं वो फ्लैक्स से बनाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी तक नेचुरल फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, यानी केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं,
नेचुरल फाइबर क्या बताया गया था आपको, जो प्राकृतिक होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, यानी प्लांट होते हैं या एनिमल से मिलते हैं, तो वो आपके नेचुरल फाइबर थे। अब आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, सिंथेटिक फाइबर, जिसे कि हम लोग बनाते हैं। इसका पहला प्रकार है आपका नायलॉन। इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर इंट्रोड्यूस्ड इन 1938 व्हेन नायलॉन स्टॉकिंग फर्स्ट अपीयर्ड। सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले 1938 में बनाया गया, जब इसके स्टॉकिंग्स जो है नायलॉन के प्रकट हुए। इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही मजबूत होता है। एट वेज लेस, लेकिन इसका वजन हल्का होता है देन एनी अदर कॉमनली यूज फाइबर, किसी भी और जो कॉमन फाइबर है उनसे इसका वेट, इसका वजन कम होता है। नायलॉन फाइबर इज स्मूथ, नॉन एब्जॉर्बेंट, ड्यूरेबल एंड ड्राइज क्विकली। नायलॉन फाइबर चिकना होता है, नॉन एब्जॉर्बेंट मतलब होता है कोई चीज़ ये अवशोषित नहीं करता है, ड्यूरेबल मतलब होता है लंबे समय तक चलता है और आसानी से सूख भी जाता है। इट इज़ इलास्टिक या यह प्रत्यास्थ होता है, यानी खींच जैसे रबड़ होती है, हम खींच देते हैं फैल जाती है फिर सिकुड़ जाती है, उसी तरह से भी इलास्टिक होता है। एंड रीसाइलेंट एंड सो नीड्स नो आयरनिंग, इसके अलावा रीसाइलेंट होता है इसीलिए इसको मतलब हमको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। नायलॉन मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर, नायलॉन को अगर हाई टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये पिघल भी जाता है। नेक्स्ट प्रकार आपका सिंथेटिक फाइबर है एक्रीलिक। इट इज़ यूज इन मेकिंग क्लॉथ एंड कारपेट, इसका भी प्रयोग कारपेट और कपड़े बनाने में किया जाता है। इट इज़ लाइट वेट एंड वार्म एंड इज़ वेरी सिमिलर टू वूल, यह हल्के वजन का होता है, गर्म होता है और ज़्यादा मिलता जुलता होता है ऊन से। तो ऊनी कपड़े जितने भी स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं या तो नेचुरल से बनाए जाते हैं या तो फिर एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। आजकल जो भी मार्केट में ढेर सारे ऊनी कपड़े आ रहे हैं वो एक्रिलिक से बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकार पॉलिस्टर, ठीक है, ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड चीपली बाय द रिएक्शन ऑफ डाई बेसिस एसिड विद ड्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स। ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसका उत्पादन किया जाता है डाई बेसिक एसिड का डाई हाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करा करके। इट इज़ स्ट्रॉन्ग फाइबर, ये मजबूत फाइबर होता है, रजिस्टेंट टू क्रीज, इसमें क्रीज मेंटेन रहती है, जो प्रेस करने के बाद जो क्रीज बनती है वो, ठीक है, एंड दस कीप्स इट सेप, और इसको एक आकार प्रदान करती है। पॉलिस्टर इज स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड वेदर रेजिस्टेंट, इसके अलावा पॉलिस्टर जो है मजबूत होता है, हल्का होता है और मौसम में, किसी भी मौसम में रेजिस्टेंट होता है, यानी ज़्यादा इसमें से हवा नहीं पास हो पाती है, यानी शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एज यू कैन सी हियर द पिक्चर्स ऑफ पॉलिस्टर फैब्रिक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर ऑन व्हाट्सएप। बाय, हैव अ नाइस डे।